दोस्तों आज प्रोसेसर की दो दिग्गज कंपनी इंटेल और एएमडी इन दोनों को लड़ाने वाला हूँ, आई मीन कंपैरिजन करने वाला हूँ। और ये लड़ाई अच्छी लड़ाई होगी और इन लड़ाई में, इस कंपैरिजन में, इन दोनों में से किसी भी कंपनी को चोट पहुंचाना मेरा मोटिव नहीं है। और अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ों को लड़ा चुका हूँ, आई मीन कंपेयर कर चुका हूँ। और मैं इन दोनों कंपनी इंटेल और एएमडी के परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, किस काम के लिए कौन सा बेस्ट होगा, आपके लिए कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऐड करते हैं, इन सारी चीज़ों पर कंपेयर करने वाला, ना कि इसके बेंचमार्क और परफॉर्मेंस स्कोर, वो आप इसकी वेबसाइट पर भी देख सकते। क्योंकि आपको इस प्रोसेसर, इन दोनों कंपनी के प्रोसेसर के साथ एक लैपटॉप लेना है या एक डेस्कटॉप लेना है, तो इन सारी चीज़ों को अगर बताऊंगा बेंचमार्क और परफॉर्मेंस स्कोर तो चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो जितना हो सके इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो हे गाइस, मैं हूं कौशिक, आप देख रहे हैं डेमैट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सेमीकंडक्टर यानी चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर की मार्केट में इंटेल और एएमडी का सफर लंबा रहा। इंटेल नाम हम लोग आईबीएम के नाम टाइम से, आईबीएम के टाइम से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और एएमडी बहुत जल्द मार्केट में प्रोसेसर की कंपनी के रूप में अपनी पकड़ बनाई है और इसने खुद का फिर बाद में चिप्स बनाना भी शुरू कर दिया, जिससे अब लोगों के पास दो तरह के ऑप्शन आ गए, या तो इंटेल लो या तो एएमडी लो। तो एएमडी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसने 2003 में इंटेल को पीछे छोड़ते हुए 8664 आर्किटेक्ट वाला प्रोसेसर मार्केट में लाया और इस 64 बिट आर्किटेक्ट प्रोसेसर ने एएमडी को काफ़ी आगे लेकर गया। लेकिन सारा गेम टाइम और ट्रस्ट का। आईबीएम नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर आप कोई भी एक पुराने बंदे से पूछोगे, सजेशन पूछोगे कि भाई कौन सा लैपटॉप लें, इंटेल के प्रोसेसर वाला या एएमडी का प्रोसेसर वाला, तो ऑब्वियसली वो कहेगा भाई इंटेल ले, इंटेल काफ़ी पुराना है, मैं भी यूज करता हूँ, तू भी यूज कर, अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप एक नए बंदे से, अभी के नए बंदे से पूछोगे इस जनरेशन के, तो वो कहेगा कि भाई एएमडी ले, तेरा पैसा भी बच जाएगा और इधर परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। तो बस ये बात, तो सारा गेम टाइम और ट्रस्ट का ही है। इंटेल काफ़ी पुराना है, लोग उसे जानते हैं, इसलिए उस पर लोगों का भरोसा है और वही कंपनी का प्रोसेसर वाला लैपटॉप ले रहे हैं। मुझे भी देख लो कि मेरा जो पहला घर में डेस्कटॉप आया था वो भी इंटेल प्रोसेसर का था, उससे बाद जो आया वो भी इंटेल प्रोसेसर का, उसके बाद लैपटॉप आया वो भी इंटेल प्रोसेसर का, अभी जो लैपटॉप है वो भी इंटेल प्रोसेसर का। लेकिन अगर आपको एक बजट में अच्छा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए अच्छे प्रोसेसर के साथ, तो फिर एएमडी अभी नाम आगे है। और मैंने भी आप लोगों को इंटेल और एएमडी वाला काफ़ी सारे लैपटॉप के बारे में बता चुका हूँ, तो अगर लैपटॉप लेना है तो साइट पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं। एएमडी और इंटेल के पास एक क्रॉस लाइसेंस सेटल, इंटेल एएमडी को 86 आर्किटेक्चर यूज करने के लिए देता है, प्रोसेसर बनाने के लिए देता है, और एएमडी इंटेल को 8664 इंस्ट्रक्शन यूज करने के लिए देता है। इंटेल के लो एंड प्रोसेसर एएमडी के लो एंड प्रोसेसर के मामले में क्लॉक स्पीड और कोर को पीछे छोड़ देता है। लेकिन जब से AMD ने अपने Ryzen सीरीज के जो प्रोसेसर को लॉन्च करा है, उसके बाद से Intel और AMD दोनों कंपटीशन दे रही है, दोनों बराबर चल रही है और लोग इन दोनों को पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ AMD ने Ryzen सीरीज के हर नए प्रोसेसर के साथ अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करा है। लेकिन Intel भी कुछ कम नहीं, Intel ने भी 10 नैनोमीटर और 14 नैनोमीटर प्रोसेस पर बने प्रोसेसर पर काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। AMD भी अभी 7 नैनोमीटर पर काम कर रही है, उसका यूज कर रही है। तो इस जगह पर AMD इंटेल के प्रोडक्शन के मामले में उसे कंपटीशन दे रही है। लेकिन इंटेल के पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और इंटेल के पास लगभग हर प्राइस पॉइंट के लिए, हर सेगमेंट के लिए, हर सॉकेट के लिए एक प्रोसेसर अवेलेबल है, चाहे लो हो चाहे हाई एंड हो। लेकिन एएमडी के पास ऐसा नहीं है, एएमडी की लिस्ट उतनी लंबी नहीं है। बात करते हैं इसके प्राइस को लेकर, तो इंटेल और एएमडी, तो इंटेल का जो प्रोसेसर है उसका प्राइस हमेशा से हाई रहा है, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, पेंटियम, i3, i5, i7, i9। लेकिन AMD का जो प्राइस है, AMD का जो प्रोसेसर है उसका प्राइस हमेशा से कम रहा है इंटेल के कंपैरिजन में। अगर आपका बजट टाइट है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, या अगर आपका बजट टाइट है और आपको गेमिंग करनी है, तो फिर मैं बोलूँगा कि आप एक AMD प्रोसेसर वाला लैपटॉप लें या डेस्कटॉप, आपके लिए बेटर होगा, आपका पैसा भी बच जाएगा, आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा। लेकिन पैसों की कोई कमी नहीं और आपको बस परफॉर्मेंस से लेना देना है, तो फिर इंटेल का प्रोसेसर आप ले सकते। इसके अलावा इंटेल के जितने भी सारे प्रोसेसर हैं उसमें आपको क्लॉक स्पीड AMD के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलता है, AMD के प्रोसेसर में आपको क्लॉक स्पीड थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा इंटेल के कंपैरिजन में AMD में आपको ज़्यादा कोर और थ्रेड्स देखने को मिलेगा। AMD के हर प्राइस के सेगमेंट में, हर प्रोसेसर के सेगमेंट में आपको थ्रेड्स इंटेल के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये इन दोनों कंपनी का एक माइंडसेट है, मार्केट स्ट्रेटजी है। इसके अलावा
इंटेल में आपको हीटिंग इश्यू वैसा देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम रेयर केसेस। लेकिन AMD के जो प्रोसेसर है वो हीटिंग इश्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि AMD के जो प्रोसेसर है, अगर हार्डकोर गेमिंग कर रहे हैं तो वो फिर अभी नहीं, धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसा ही आपका रेंडरिंग आगे बढ़ता जाता है वो हीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इंटेल का ऐसा नहीं है। मेरे इस लैपटॉप में भी इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर मैं इसे आधे घंटे, एक घंटे के लिए भी अगर रेंडरिंग में दे रहा हूँ, फिर भी ये हीट नहीं होता है। हाँ, हीटिंग इशू बस प्रोसेसर पर डिपेंड नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रोसेसर भी एक बड़ा मेजर है, पॉइंट है हीटिंग इशू को जनरेट करने के लिए। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, ओवरक्लॉक। आपको इंटेल के हर प्रोसेसर में ओवरक्लॉकिंग का फीचर्स नहीं मिलता है। ओवरक्लॉकिंग मतलब कंपनी उसकी लिमिट, उसकी स्पीड को बांध कर देती है, लॉक करके देती है, आप उससे ज़्यादा गाड़ी को नहीं दौड़ा सकते। लेकिन AMD के लगभग प्रोसेसर में आपको ओवरक्लॉकिंग का फीचर मिल जाता है। उसके बाद अगला बड़ा पॉइंट क्या है, पावर कंजप्शन। तो जिस प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड कम होगा वो पावर भी कम कंज्यूम करेगी, और इंटेल के जो भी प्रोसेसर है उसमें आपको क्लॉक स्पीड AMD की कंपैरिजन में हाई देखने को मिलता है। तो इंटेल का प्रोसेसर भी हाई पावर कंज्यूम करेगा, और AMD का जो प्रोसेसर है उसमें आपको कम क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है तो वो कम पावर कंज्यूम करेगी। और इसके अलावा इंटेल में आपको टर्बो बूस्ट का फीचर्स मिलता है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको हाई फ्रिक्वेंसी वाला स्पीड चाहिए तो उसमें भी ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, लेकिन AMD में ऐसा नहीं है। लेकिन इंटेल के प्रोसेसर में पावर कंजप्शन ज़्यादा होने के कारण भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन AMD के प्रोसेसर में आपको हीटिंग इशू देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। उसके बाद इन दोनों कंपनी के बीच, इंटेल और AMD के बीच, अगला पॉइंट इसके ग्राफिक्स को लेकर है। अगर आप एक इंटेल का प्रोसेसर लेते हैं तो वहाँ पर आपको इंटेल का HD ग्राफिक्स, या अगर लेटेस्ट प्रोसेसर लिए हैं तो उसमें आपको इंटेल का आयरिस ग्राफिक्स, जो कि एक अलग सेगमेंट है इंटेल का ग्राफिक्स के मामले में, वो आपको मिल जाता है। और आप आयरिस XE ग्राफिक्स के साथ आप बड़े मजे से गेमिंग और एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इंटेल का जो HD ग्राफिक्स मिल रहा है उससे आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरे में भी इंटेल का HD ग्राफिक्स लगा हुआ है और मैं जान रहा हूं उनका दर्द क्या है। लेकिन AMD का अगर आप प्रोसेसर लेते हो, कुछ प्रोसेसर है जिसमें आपको APU का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें APU और GPU दोनों साथ में आते हैं। मैंने आपको APU के बारे में डिटेल में बताया, अगर आपको जानना है तो इस आई बटन पर क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बजट रेंज में आपको ग्राफिक्स भी मिल जाएगा, प्रोसेसर भी मिल जा रहा है, आप बड़े मजे से PUBG, GTA 5, Fortnite, Assassin's Creed, Call of Duty खेल सकते हो। और जो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनको लिए तो फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही, अगर इंटेल का प्रोसेसर ले रहे हैं तो। अभी इंटेल वर्सेस AMD में ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। AMD में आपको सबसे पहला इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स बेटर देखने को मिलता है। AMD में आपको ज़्यादा कोर और थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। AMD बजट के अंदर आता है, हमेशा से प्राइस का कम रहा है। AMD Ryzen हमेशा से वैल्यू फॉर मनी रहा है, लेकिन AMD Ryzen में थोड़ा हीटिंग इशू भी रहा है। बात करते हैं इंटेल की, तो इंटेल में सबसे पहला आपको सेपरेट ग्राफिक्स मिलेगा, या तो फिर डेडिकेटेड ग्राफिक्स लगाओ। इंटेल हमेशा से प्राइस में हाई रहा है, लेकिन स्पीड भी हाई देता है। इंटेल में आपको क्लॉक स्पीड ज़्यादा देखने को मिलता है, कोर और थ्रेड्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं। इंटेल के प्रोसेसर में आपको हीटिंग इशू ना के बराबर मिलता है, और इंटेल के प्रोसेसर में आपको गेमिंग और एडिटिंग वालों के लिए सही है। तो ये थे ओवरऑल परफॉर्मेंस। आई होप आपको अब ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि कौन सा प्रोसेसर किस ब्रांड का आपको लेना चाहिए, इंटेल या AMD, आपके लिए बेटर होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और वीडियो कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर बेझिझक पूछ सकते हो, इंटेल वर्सेस AMD और प्रोसेसर के मामले में मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।